हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पॉलिटेक्निक स्टडी जोन। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको जो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी किए गए लेटेस्ट न्यूज़ के बारे में बताने वाले हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि कल शाम को यूपी सरकार ने बताया है कि यूपी में जो है स्कूल, कॉलेज और कोचिंग जो है अब 30 अप्रैल तक बंद रहेंगे और पहले से तय परीक्षाएँ होंगी। तो दोस्तों, यह न्यूज़ क्या है? इस न्यूज़ का जो है पॉलिटेक्निक की जो भी कॉलेज हैं या फिर पॉलिटेक्निक के जो भी स्टूडेंट हैं उनके ऊपर इस न्यूज़ का क्या इफेक्ट होने वाला है, इस वीडियो में जो पूरी जानकारी आपको देने वाले हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में जो है पहले हम आपको जो इस न्यूज़ के बारे में बताएंगे कि इस न्यूज़ की सच्चाई क्या है, और दोस्तों जो दूसरे टॉपिक डिस्कस करेंगे वह यह करेंगे कि क्या पॉलिटेक्निक जिस कॉलेज में अभी तक आपके और सेमेस्टर के प्रैक्टिकल एग्जाम्स नहीं हुए हैं या फिर कुछ कॉलेज में जो है अभी पूरे प्रैक्टिकल एग्जाम्स नहीं हुए हैं उनके अब आगे प्रैक्टिकल एग्जाम्स इस महीने में होंगे या नहीं होंगे, और दोस्तों जो तीसरे टॉपिक डिस्कस करेंगे वह यह करेंगे कि जो है कोरोना का जो संक्रमण है दिन प्रतिदिन जो है लगातार बढ़ते हुए जा रहा है, तो क्या आगे अगर लॉकडाउन बढ़ता है तो आपके जो इवन सेमेस्टर की क्लासेज हैं वो आपके कॉलेज में ऑफलाइन चलेंगी या फिर नहीं चलेंगी, आपकी पढ़ाई जो है ऑनलाइन होंगी, इन सारे टॉपिक्स जो है आपको इस वीडियो में डिस्कस करने वाले। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप हेडलाइन में देख सकते हैं, इसमें बताया गया है कि यूपी में स्कूल, कॉलेज और कोचिंग जो है अब 30 अप्रैल तक बंद रहेंगे और जो पहले परीक्षाएँ तय हैं उन्हें कराई जाएंगी, और यह न्यूज़ जो है कल 11 अप्रैल को शाम के 3:52 पर जो इसे जारी किया गया है। और दोस्तों, इस संबंध में हमारे उत्तर प्रदेश सरकार ने ट्वीट भी किया है ट्विटर पर, जिसे हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। तो दोस्तों, चलिए हम जानते हैं इस न्यूज़ की सच्चाई क्या, इस न्यूज़ में क्या बताया गया है। तो दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रीन पर, बताया गया है कि कोरोना के बढ़ते केस के कारण यूपी में अब क्लास 1 से 12 तक के सभी स्कूल, कॉलेज और कोचिंग को 30 अप्रैल तक बंद रखने के आदेश हुए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट किया है कि पहले से तय परीक्षा होती रहेंगी, इस दौरान जरूरत के हिसाब से शिक्षक और अन्य स्टाफ को बुलाया जा सकता है। लखनऊ में टीम 11 के साथ आयोजित कोविड समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने कोविड-19 वैक्सीनेशन कार्य की समीक्षा भी की। उन्होंने कहा कि रविवार से टीका उत्सव की शुरुआत हुई है, प्रदेश में 6,000 केंद्रों पर टीकाकरण कार्य जारी है, 85 लाख से अधिक लोगों को टीकाकरण हो चुका है। तो दोस्तों, यहाँ पे जैसा कि अभी आपने हेडलाइन पढ़ा कि बताया गया था कि 1 से 12 तक जो क्लासेज हैं यानी स्कूल जो भी स्कूल हैं और जो भी कॉलेजेज हैं जो भी कोचिंग हैं उन्हें जो है 30 अप्रैल तक जो है बंद किया जाएगा। इसकी जो निर्णय है हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने दिया है कि जो पहले से परीक्षाएँ तय हैं उन परीक्षाओं को जो है कराया जाएगा और उनमें जो है ज़रूरत के हिसाब से ही केवल शिक्षक और स्टाफ को बुलाया जाएगा। और दोस्तों, जो है उन्होंने यह भी जानकारी दिया कि जो आपका कोविड-19 वैक्सीनेशन का जो कार्य है वह बहुत जो है आपका हो रहा है और 85 लाख से ज़्यादा लोगों का जो है कोरोना का टीकाकरण भी हो चुका है। तो दोस्तों इस न्यूज़ में जो भी बातें बताई गई थी वह मैंने आपको बता दिया। अब आपको बताते हैं क्या पॉलिटेक्निक के अब प्रैक्टिकल एग्जाम्स जो हैं 30 अप्रैल के बीच में हो सकते हैं या फिर नहीं हो सकते। तो दोस्तों, जैसा कि अगर आप इस न्यूज़ को ध्यान से देखें तो यहाँ पे बताया गया है कि पहले से तय परीक्षाएं होंगी। तो दोस्तों, अगर हम बात करें यहाँ पे प्रैक्टिकल एग्जाम्स की, दोस्तों जो आपके प्रैक्टिकल एग्जाम्स हैं पॉलिटेक्निक के और सेमेस्टर के वे जो है पहले से प्लानिंग की गई है, यानी एग्जाम के बाद ही उसकी जो टाइम टेबल है सभी कॉलेज के पास जो है भेज दिया गया है कि आपके जो कॉलेज में प्रैक्टिकल एग्जाम्स आपको इस डेट को कराना है, यानी सारे जो आपके प्लानिंग है प्रैक्टिकल एग्जाम को करवाने के BTOP ने जो है उसे कर दिया है। तो आपके अभी बहुत सारे ऐसे पॉलिटेक्निक कॉलेज हैं जिनमें अभी तक प्रैक्टिकल एग्जाम्स नहीं हुए हैं, एक भी प्रैक्टिकल एग्जाम्स नहीं हुए हैं। जैसे कि अगर हम अपने कॉलेज की बात करें तो हमारे भी कॉलेज में अभी तक हमारा एक भी प्रैक्टिकल एग्जाम नहीं हुआ है। तो लेकिन दोस्तों, बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं जिसमें जो प्रैक्टिकल एग्जाम हो चुके हैं और कुछ कॉलेज में जो है अभी 2-4 सब्जेक्ट के हुए हैं, यानी पूरे भी प्रैक्टिकल एग्जाम नहीं हुए हैं। तो दोस्तों, जिन कॉलेज में अभी तक नहीं हुआ है या फिर जिन कॉलेज में जो है प्रैक्टिकल एग्जाम्स केवल आधे हुए हैं, कुछ सब्जेक्ट के ही हुए हैं, तो दोस्तों उनमें होगा या नहीं, तो दोस्तों हम आपको बता दिए। जैसे कि अभी जो है आपके प्रैक्टिकल एग्जाम्स जो है वो पहले से ही तय किए गए हैं, तो अगर आपके जिस भी इलाके में आपका पॉलिटेक्निक कॉलेज अगर वहाँ पर लॉकडाउन का थोड़ा कम प्रभाव है या फिर कोरोना का थोड़ा कम प्रभाव है, तो दोस्तों वहाँ पर जो है आपके प्रैक्टिकल एग्जाम्स जो है आपके कॉलेज के जो भी टीचर हैं वे करवा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, जहाँ पर कोरोना का ज़्यादा प्रभाव है और वहाँ पर अभी तक प्रैक्टिकल एग्जाम्स नहीं हुए हैं, तो वहाँ जो है आपके प्रैक्टिकल एग्जाम्स करवाने के जो चांसेस हैं बहुत ही कम हैं। तो दोस्तों, बहुत सारे ऐसे भी कॉलेज हैं जहां पे आपके प्रैक्टिकल डेट को जो है घोषित कर दिए थे, लेकिन दोस्तों यह जो कल की न्यूज आई है इस न्यूज को देखते हुए जो अपना जो प्रैक्टिकल एग्जाम्स उसे कैंसिल उन्होंने कर दिया है। तो अगर आपके भी कॉलेज में जो है कुछ इसके बारे में सूचना आपको मिली हो कि प्रैक्टिकल एग्जाम्स कैंसिल होने के बारे में या फिर प्रैक्टिकल एग्जाम्स करवाए जाने के बारे में जो नई सूचना आई हो, तो आप जो है उसे कमेंट में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, यहाँ पे जो आपके प्रैक्टिकल एग्जाम्स हैं वो पहले से ही तय किए गए हैं, तो आपके प्रैक्टिकल एग्जाम्स जो है आपके कॉलेज पर डिपेंड करता है, अगर वे चाहें तो करवा सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, यहाँ पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ बोला है कि जो है
जो पहले से परीक्षाएं तय हैं उन्हें करवाया जा सकता है। यानी इस नियम का जो है आपके प्रैक्टिकल एग्जाम्स पे जो है कोई भी इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। तो दोस्तों अब हम अगर हम बात करें पॉलिटेक्निक के इवन सेमेस्टर की जो क्लासेज, यानी पॉलिटेक्निक के सेकेंड फोर्थ सिक्स सेमेस्टर की जो क्लासेज जो कब से चलने वाली हैं और चलेंगी या फिर नहीं चलेंगी, इसके बारे में आपको बता देते हैं कि आपके क्लासेज जो है ऑनलाइन चलेंगी कि ऑफलाइन चलेंगी। तो दोस्तों आपके जो इवन सेमेस्टर क्लासेज हैं और यहाँ पर जैसे कि आपने यहाँ पर नोटिस किया कि जो पहले से परीक्षाएँ तय हैं कुल परीक्षाओं को ही कराया जा सकता है। यानी 30 अप्रैल तक जो है आपके स्कूल कॉलेज कोचिंग जो भी हैं सभी चीज़ें बंद रहेंगे। यानी अगर आपके बीच में इधर प्रैक्टिकल एग्जाम्स करवाए जाते हैं या फिर नहीं करवाए जाते हैं दोस्तों, तो आपके 30 अप्रैल तक जो है आपके कॉलेज जो है नहीं खुलेंगे। यानी स्टडी के लिए तो नहीं खुलेंगे, अगर प्रैक्टिकल एग्जाम्स के लिए खोले जाते हैं एक या दो दिन के लिए तो खुल सकते हैं, लेकिन आपके जो इवन सेमेस्टर की जो क्लासेज हैं वो 30 अप्रैल तक चलने वाली नहीं है। तो दोस्तों आप यहाँ पे क्लियर हो जाइए कि आपके जो कॉलेज हैं यानी आपके जो सम सेमेस्टर जो क्लासेज हैं वो 30 अप्रैल तक नहीं चलने वाली हैं। उसके बाद जो है जैसा आगे इफेक्ट रहेगा आपका कोविड-19 का, आगे वैसा ही कार्य किए जाएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में बताई गई जानकारी अगर आपको पसंद आई हो, अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो जो दोस्तों का शेयर जरूर कीजिए, जिससे क्या होगा कि उनको इस न्यूज़ के बारे में जानकारी हो सके। तो दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में नेटवर्क। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।